नमस्कार दोस्तों, योग मंत्रा पे आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे आसन की बात करेंगे जो हमारे तन और मन को स्वस्थ रखता है। ये शशांक आसन जो है हमारी चिंता और अवसाद को दूर रखता है, हमारी पाचन तंत्र संबंधी सारी समस्याओं को दूर करता है और हमारे शरीर में ब्लड के फ्लो को भी बढ़ाता है। और जो लेडीजों को PCOD की प्रॉब्लम होती है, ये हार्मोनल प्रॉब्लम होती है, इस प्रॉब्लम को भी दूर करता है। तो आइए हम पहले जानते हैं कि शशांक आसन कैसे करते हैं और इसको सही तरीके से कैसे किया जा सकता है कि ये सारी प्रॉब्लम जो है दूर हो। इसके बाद में इसके हम बेनिफिट जानेंगे। लास्ट तक हमारे वीडियो पर बने रहिएगा। आइए हम देखते हैं शशांक आसन। न्यू शशांक आसन दो तरह से हम आपको शशांक आसन बताएंगे। देखिए, पहले तो शशांक आसन करने का तरीका है कि हम दोनों घुटनों को आपस में मिला के और दोनों हाथों को आगे ले जाते हुए इस तरह सर जो है फ्लोर से रखना है। इस आसन पे हम 5 मिनट तक रुक सकते हैं। और जिन लोगों को हाई BP है या हार्ट की प्रॉब्लम है, वो लोग जो है अपना सर बिल्कुल नीचे नहीं ले जाएंगे। वो कोई भी पिलो रख के और यहाँ तक अपने सर को उठा के रखेंगे, क्योंकि जब वो लोग सर नीचे ले जाएंगे तो जो ब्लड का फ्लो है वो उनके सर पे जाएगा और ब्लड का फ्लो नीचे जाकर उनका हार्ट बीट भी बढ़ सकता है, उनका जो है हाई BP भी बढ़ सकता है। तो इसलिए जो है उन लोगों को सर ज़्यादा नीचे लेके नहीं जाना है। और वो लोग इस आसन पे बहुत ज़्यादा देर ना रुके और बाकी लोग 5 मिनट तक अगर इस आसन पे रुकेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा ये आसन। तो आइए हम देखते हैं। दोनों हाथों को ऐसे रखते हुए हम इस तरह से जब हम शांत हो गए 5 मिनट तक इस आसन पर रहेंगे और सर पे हमारे ब्लड का फ्लो जाएगा तो हमें मानसिक जितनी भी तनाव चिंता है ये सब दूर होगा और हमारी बाल झड़ने की समस्या भी समाप्त होगी। अब हम दूसरा पोज बताएंगे शशांक आसन का। इसके लिए हम जैसे वज्रासन पे बैठते हैं इस तरह बैठ जाएंगे जैसे पहले बैठते थे और दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप देंगे और इसके बाद हाथों को सामने रखते हुए धीरे से इस तरह जाएंगे और अपने सर को नीचे रखेंगे। तो ये जो है हमारी स्ट्रेच थाइप को स्ट्रेच देता है, हिप को स्ट्रेच देता है, तो इसलिए हमारी थाई की मसल के लिए और हिप के लिए बहुत ही अच्छा आसन है ये। और जब हम आगे को इस तरह जाते हैं तो ये हमारी गर्दन के लिए भी, सर्वाइकल की प्रॉब्लम के लिए भी ये आसन बहुत ज़्यादा अच्छा आसन है। ये आप इस आसन पे कम से कम 5 मिनट यदि आप रुकते हैं तो ये आसन आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। यदि आपको नींद ना आने की समस्या है तो ये भी समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी। लेकिन ये आसन आप सही तरीके से करेंगे और 5 मिनट लेकर 10 मिनट भी इस आसन पे आप आराम से रह सकते हैं। आप इसको ज़मीन पे भी कर सकते हैं, अपने बिस्तर पे भी कर सकते हैं। नींद नहीं आ रही है फिर तब भी आप ये आसन यदि कर लेंगे तो आपको ये आसन बहुत ज़्यादा फायदा देगा और आपकी जो नींद आने की समस्या है वो भी दूर होगी और चिंता और डिप्रेशन जब आपकी दूर होगी तो ऑटोमेटिक आपकी नींद आने लगेगी। तो इसलिए ये आसन करके आप स्वस्थ रहें और निरोग रहें। धन्यवाद। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और